इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज़ ग्रेड 3 कुरानिक लेसन नंबर 9 नेम ऑफ रकाज इन प्रेयर ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल प्रेयर्स पेज नंबर 37। स्टूडेंट्स पेज नंबर 37 ओपन करें जिसमें आप देखेंगे लेसन नंबर 9 ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल प्रेयर्स। स्टूडेंट्स ऑब्लिगेटरी प्रेयर क्या होता है? जो कि नमाजें हम पे फ़र्ज़ हैं, यानी अगर हम ज़रूरी हैं उनका अदा करना, अगर हम उन्हें अदा नहीं करेंगे तो हमें गुनाह होगा। ऑप्शनल प्रेयर्स वो नमाजें होती हैं स्टूडेंट्स जिनका अदा करना फ़र्ज़ नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अदा नहीं करेंगे गुनाह भी नहीं होगा, और अगर अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें सवाब देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स बिफोर वी बिगिन यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट यू हैव योर बुक्स क्लास वर्क एंड होमवर्क नोट बुक्स कम्प्लीट स्टेशनरी अवेलेबल विथ यू। प्लीज़ लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स आप अपने टीचर को तवज्जो से सुनेंगे और तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। उसके अलावा आपके पास अपनी बुक्स होनी चाहिए, आपके पास अपनी क्लास वर्क और होमवर्क नोट बुक्स हों, और आपकी स्टेशनरी आपके पास कम्प्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल प्रेयर्स। अच्छा स्टूडेंट्स अब आप बुक पे भी थोड़ी सी तवज्जो करेंगे और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो दिखेंगे। द फाइव डेली प्रेयर्स कंसिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ रकाज। जो पांच वक्त दिन में पांच वक्त हम पे नमाजें फ़र्ज़ हैं उनकी जो रखते हैं वो मुकर्रर की गई हैं। ठीक है, ईच ऑफ द फाइव डेली प्रेयर्स कंसिस्ट ऑफ फर्ज सुन्ना एंड नफल। जो हर नमाज है दिन में जो हम पाँच नमाजें अदा करते हैं उनमें क्या होता है? उनमें फ़र्ज़ होते हैं, ठीक है, सुन्नत होती है और नवाफिल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी अब हम फ़र्द की बात करते हैं। फ़र्द इज़ ऑब्लिगेटरी प्रेयर इफ़ अ पर्सन डज नॉट परफॉर्म देम ही इज़ सिनफुल। फ़र्ज़ जो है वो ज़रूरी यानी फ़र्ज़ नमाजें हैं, ठीक है, अगर वो हम अदा नहीं करेंगे ही इज़ सिनफुल यानी गुनाहगार हो जाएंगे। ठीक है, हमें उसका गुनाह मिलेगा। वाजिब इज़ ऑल्सो ऑब्लिगेटरी प्रेयर बट सेकेंड इन इम्पॉर्टेंस। अब वाजिब जो है ये भी फ़र्ज़ की तरह ही समझे जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, वाजिब जो है उसे थोड़ा कम लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, यानी वाजिब को फ़र्ज़ की तरह ही हमें फ़र्ज़ की तरह ही हमें लेना चाहिए कि हमने अदा करनी ही करनी है। अच्छा जी नेक्स्ट क्या आता है? सुन्ना। सुन्ना इज़ एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्ना इज़ ऑफ टू काइंड्स। अच्छा जी जो सुन्नत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है इसकी आगे से दो किस्में हैं, वो हम देखते हैं क्या है। सुन्ना मौकदा इज़ दोज़ रकाज विच द प्रॉफिट प्रेड विदाउट एनी ब्रेक। सुन्नत जो है वो दो तरह से हैं मौकदा। सबसे पहले हम मौकदा की बात करते हैं। मौकदा जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह से है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेगुलर जो है उसे अदा किया हो, जिस तरह नमाज़ों में सुनते हैं। तो जो मौकदा सुनते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रेगुलर अदा किया है, यानी विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, अच्छा जी सुन्ना गैर मौकदा। गैर मौकदा इज़ द प्रेयर विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म ओकेजनली। सुन्ना गैर मौकदा इज़ ऑप्शनल प्रेयर। अब जिस तरह हमने ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल प्रेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्लिगेटरी में जो है वो हमने फ़र्द वाजिब सुन्ना देख ली, और सुन्ना के जो फ़र्द टू टाइप्स हैं वो हैं मौकदा और गैर मौकदा। मौकदा वो हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की और उनमें कोई वक्फ़ा नहीं था, यानी रेगुलर तौर पर उसको अदा किया। सुन्ना गैर मौकदा वो हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी न किसी मौका पर अदा की, ठीक है, यानी उसमें ब्रेक थी, वक्फा उसमें था। अच्छा जी अब सुन्ना मौकदा जो है उसका सवाब ज़्यादा है, यानी सवाब इस तरह ज़्यादा है कि वो हमें भी अदा करनी चाहिए। ठीक है, जो सुन्ना गैर मौकदा है वो ऑप्शनल है, अगर हम उसे नहीं अदा करेंगे तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर अदा करेंगे तो सवाब होगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्या आ गया? नफल। नफल इज़ ऑल्सो एन ऑप्शनल प्रेयर। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म देम समटाइम्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नफल हैं इनको ऑप्शनल प्रेयर कहा है, यानी ऑप्शनल प्रेयर
फिर बात वही आ गई कि अगर हम इन्हें अदा नहीं करेंगे गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें सवाब देगा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड देम समटाइम्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें परफॉर्म किया यानी अदा किया कभी कभार। इफ़ दे आर परफॉर्म्ड दे ब्रिंग्स एक्स्ट्रा रिवार्ड, अगर हम नवाफिल अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें एक्स्ट्रा रिवार्ड यानी हमें सवाब देंगे इसका, ठीक है। अ पर्सन हैज़ नॉट सिंड इफ़ ही हैज़ नॉट परफॉर्म देम, अगर कोई भी मुसलमान या कोई भी जो है सॉरी मुसलमान की ही हम बात करेंगे, अगर कोई भी मुसलमान इसे अदा नहीं कर रहा तो अल्लाह पाक उसे गुनाह नहीं देंगे, ठीक है। अगर अदा नहीं कर रहा गुनाह नहीं देंगे, लेकिन अगर अदा करेगा तो अल्लाह पाक सवाब देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है, जो ज़रूरी नमाज़ हैं यानी जो फ़र्ज़ नमाज़ हैं, और ऑप्शनल प्रेयर्स यानी जिनको हम अगर अदा नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक्टिविटी की तरफ आते हैं। इस लेसन में हमारी एक ही एक्टिविटी है जो क्या है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। ओके, अब आप अपनी बुक पे देखें, फर्द इज़ ऑब्लिगेटरी प्रेयर इफ़ अ पर्सन डज नॉट परफॉर्म देम ही इज़ डैश। फ़र्ज़ जो है वो फ़र्द इज़ ऑब्लिगेटरी प्रेयर यानी फ़र्ज़ ज़रूरी नमाजें हैं, अगर मुसलमान इन्हें अदा नहीं करेंगे तो ही इज़ सिनफुल यानी वो गुनाहगार होगा। तो पहले ब्लैंक में क्या आएगा, सिनफुल। वाजिब इज़ ऑल्सो ऑब्लिगेटरी प्रेयर बट सेकेंड इन इम्पोर्टेंस, वाजिब जो है वो क्या है, सेकेंड इन इम्पोर्टेंस, यानी हम उसे फ़र्ज़ के तौर पर तो लेते हैं लेकिन दूसरे नंबर पे उसे लेते हैं। ज़रूरी जो है वो फ़र्ज से थोड़ा कम लेकिन ज़रूरी है। अच्छा जी, अब सेकंड में क्या आ गया, इम्पोर्टेंस। सुन्नत इज़ एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय द डैश, सुन्नत जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है यानी उनका कोई ना कोई एक्ट होता है जो कि उन्होंने परफॉर्म किया होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सुन्नत। तो इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट। अच्छा जी, सुन्नत इज़ ऑफ डैश काइंड्स, जो सुन्नत है उसकी कितनी किस्में हैं, दो, तो इधर क्या आएगा, टू। अच्छा जी, सुन्नत मुकदा इज़ द प्रेयर विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड विदाउट एनी ब्रेक, जो मुकदा सुन्नत है, मुकदा और गैर मुकदा, सॉरी मुकदा जो है वो विदाउट एनी प्रेयर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। अच्छा जी, सुन्नत गैर मुकदा इज़ अ प्रेयर विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म ओकेजनली, यानी किसी न किसी मौका पर, ख़ास मौका पर जिसे अदा किया हो, तो वो क्या होगी, गैर मौकदा। अच्छा जी, आगे जी में क्या है, नफल इज़ डैश प्रेयर, ऑप्शनल प्रेयर। एच में क्या है, इफ़ नफल इज़ परफॉर्म्ड इट ब्रिंग्स एक्स्ट्रा डैश, तो एक्स्ट्रा के आगे क्या आएगा, रिवॉर्ड। नफल जो है अगर वो अदा किए जाएंगे तो उनका वो हमें क्या देंगे, सवाब एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, रिवॉर्ड। इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इट ही हैज़ नॉट डैश, तो इसमें क्या आएगा, परफॉर्म्ड देम। इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इट ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड देम, अगर कोई भी जो पर्सन है वो इसे, ही इज़ नॉट परफॉर्म्ड देम, अगर कोई पर्सन इसे परफॉर्म नहीं करेगा तो उसे गुनाह नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जो आपकी लास्ट फिलिंग द ब्लैंक है ना, इसमें आप ये लिख लें, इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इट ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड देम, इसमें आ जाएगा इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट सिंड, परफॉर्म्ड की जगह आप सिंड लिख लेंगे, फिर आप लिखेंगे इफ़ सिंड इफ़ देन आएगा ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड देम, ठीक है। जो लास्ट आपकी फिलिंग दी ब्लैंक है उसे स्टूडेंट्स वजह से देखें, जो एच है आप इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इट लिखा हुआ है, तो आप हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इट की जगह आप लिख लेंगे सेंड इफ़, ठीक है, फिर आएगी फिलिंग द ब्लैंक ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड देम। अच्छा जी, परफॉर्म्ड इट की जगह आप क्या लिखेंगे, सेंड इफ़। अच्छा जी, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गई स्टूडेंट्स। अब आपकी डायरी का टाइम है, ओपन योर डायरी, राइट डेट सब्जेक्ट, राइट डाउन डायरी। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। द डायरी इज़ लर्न द लेसन नंबर 9, आप डायरी में लिखेंगे लर्न द लेसन नंबर 9,
और आपकी डायरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने अपना ये लेसन जो है ऐसे मुकम्मल तौर पर लर्न करना है, ठीक है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और आप अपनी डायरी भी लिख लें और होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, लर्न राइट एक्टिविटी ऑन बुक। जो आपकी एक्टिविटी है उसे भी आप अपनी बुक पर लर्न करेंगे, ठीक है। बुक पर राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नो द लेसन इज एंड अल्लाह हाफिज़।